गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे 14 और 15 तारीख का दोनों का करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज के प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सेवन नेशंस। बेसिकली दोस्तों, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेवन। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आता है। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1975 में हुआ था। इसका 45th समिट जो है वो फ्रांस 2019 में हुआ था। 46th समिट यूएसए 2020 में होने वाला था, जो कि अब पोस्टपोन हो गया है। और 47th समिट जो है इसका यूके 2021 में होने वाला है। दोस्तों, आज की जो हमारी कंट्री है वो है फ्रांस। तो हम देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है। पेरिस में, पेरिस जो इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इनामोल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ के वो एडवर्ड फिलिप है। और जो यहाँ की लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। अब चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ अपनी मरीन बॉर्डर को शेयर करता है? विथ हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर्स मरीन टाइम बॉर्डर विथ? अगर दोस्तों आपको ऐसा जवाब पता हो तो पहले कमेंट करिएगा, फिर आप आंसर क्रॉस चेक करिएगा। सबसे पहले 7 नेशन के साथ इंडिया जो है अपनी मरीन टाइम बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 7 नेशन हैं जिनके साथ इंडिया अपनी मरीन बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने प्रकार के सॉइल्स पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, मेनली इंडिया में 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं, जो कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल और माउंटेन सॉइल। ये 6 टाइप की सॉइल हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 लैंडन जंक्शन कहां प्रपोज हुआ है? 3 लैंडन जंक्शन कहां पे प्रपोज हुआ है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। 3 लैंटन जंक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रपोज्ड हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। और सबसे पहले दोस्तों, अभी जियो ने 2 नई बड़ी डील करी है। तकरीबन 6,500 करोड़ की डील है ये। और इसमें जियो ने अपना 1.32% का स्टेक जो है वो सेल कर दिया है। यूएस की 2 प्राइवेट फॉर्म्स हैं, टीपीजी और एल कार्टरटन, इनको जो है जियो ने अपना 1.32% का स्टेक सेल कर दिया है। टीपीजी जो है वो 4,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके तकरीबन 0.93% का स्टेक जियो में लिया है। और एल कार्टरटन जो है उसने तकरीबन 1,900 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करके 0.39% का स्टेक जियो में ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी डील है जो जियो ने इस बार फिर से क्रैक कर लिया। तकरीबन 10 डील जियो से क्रैक कर चुका है थ्रू द लॉकडाउन पीरियड। आगे चलते हैं। वसंत रायजी हैं, ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। मुंबई में दोस्तों रहते थे, अभी 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आगे है दोस्तों, जो इंडिया को जैवलिन में रिप्रेजेंट करने वाले देवेंद्र सिंह कांग, इन्हें दोस्तों नाडा के एक डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से इन्हें आने वाले समय में या तो बैन, या तो लाइफ टाइम बैन, या तो कुछ समय का बैन इन्हें जो है वो झेलना पड़ सकता है। देवेंद्र कुमार जी ने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है जैवलिन की, उसमें रिप्रेजेंट करा है। क्योंकि ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जो है अभी शायद इसका पनिशमेंट मिल सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ टाइम बैन या कुछ ईयर का बैन जो है झेलना पड़ेगा।
नाडा की अगर बात करें दोस्तों अपन, तो नवीन अग्रवाल जो है वो यहाँ के सीईओ हैं। नाडा का फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर 2005 में। इसका जो मोटो है वो है प्ले फेयर। जो नाडा के चेयरमैन होते हैं वो स्पोर्ट मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। पर्पस जो है नाडा का वो है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये जो है इसका पर्पस है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। बेसिकली दोस्तों स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आप खेलते हैं तो आप अपने खेल के लिए कोई भी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग नहीं ले सकते। एक तरह का मेडिसिन होती है, ड्रग ले होती है जो कि आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं जो नेचुरल नहीं है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, मॉनिटर करने के लिए नाडा जो है डोपिंग टेस्ट लेता है। जो इसमें पॉजिटिव आता है उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी अनमोल नारंग जी हैं, ये इनके पिक आप सेंटर पे देख सकते हैं। इन्हें ये पहले सिख हैं जिन्होंने यूएसए की मिलिट्री एकेडमी है वहां से ग्रेजुएशन हासिल किया है। तो ये ऐसे पहले सिख हैं और पहले फीमेल सिख हैं जिन्होंने यूएसए की मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है कुलगामा। यहाँ पे दो टेररिस्ट को जो है, जो अपने यहाँ की आर्मी है उन्होंने मार गिराया है। इससे पहले 6 टेररिस्ट थे सोफिया में, जम्मू कश्मीर की, वहां भी आतंकवादियों को धूल चटाई गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर, समर कैपिटल है यहाँ की। और जम्मू जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है। दरबार मूव होता है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स का, अगर आपको याद हो तो। याद हो तो जरूर थम्सअप करिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर याद हो आपको तो। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी बीजिंग चाइना में कुछ 6 केसेस कोविड-19 के पाए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ पार्ट जो बीजिंग के हैं वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस फियर से कि लोकल ट्रांसमिशन ना हो उसको रोकने के लिए या चेक करने के लिए जो है वहां पे कुछ पार्ट्स में अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है बीजिंग में, जो चाइना की कैपिटल है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है, और जिससे कि जो रजिस्टर्ड लेबर है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये संबल योजना के तहत होगा। और संबल योजना जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की योजना है जो कि 2019 में शुरुआत हुई थी। इसमें जितने भी जो लेबर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं जो उनके लिए होती हैं श्रमिकों के लिए, उनका लाभ थ्रू संबल योजना उन्हें मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, इनमें दोस्तों ये इंग्लैंड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है 400 मिलियन डोज वैक्सीन का कोविड-19 की। जो ये एस्ट्राजेनेका दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके कोविड-19 की वैक्सीन पर रिसर्च कर रही है। तो इसके साथ, एस्ट्राजेनेका के साथ इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड ने जो है 400 मिलियन डोजेस कोविड-19 की वैक्सीन का के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और दोस्तों ये एस्ट्राजेनेका के साथ ही जो है, जो इंडिया की पुणे इंडिया की जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, उसने भी दोस्तों एस्ट्राजेनेका के साथ 1 मिलियन डोजेस वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है। आधार पुणे वाला SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं और ओनर है। उन्होंने ये वैक्सीन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को मिल सके 2020 के एंड तक, इसके लिए एस्ट्राजेनेका के साथ आधार पुणे वाला यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलके उस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी करेगी बनने पे। तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल बात है ये। आगे चले दोस्तों, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मेंबर कमेटी, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसको लीड करेंगे पीके मोंटी मोहंती, जो कि आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्टर है। बेसिकली ये जो कमेटी बनाई गई, इसका काम है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है
उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, गाइडलाइन जो है उसको रिव्यू करना। इसके लिए ये बेसिकली जो गाइडलाइन बनती है प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रक्चर के लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए, उनको रिव्यू करेगी कमेटी जिसको हेड करेंगे पीके मोंटी जी। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हाफ अ ट्रिलियन हो गया, यानी 501.70 बिलियन डॉलर का जो है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है। अब दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? दोस्तों चार कैटेगरी में फॉरेन रिजर्व होता है। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट का, गोल्ड का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन का। फॉरेन करेंसी एसेट दोस्तों, इंडिया जो है अदर कंट्रीज की करेंसी स्टोर करके रखती है, जैसे डॉलर हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, इनको स्टोर करके रखती है। तो एक पार्ट होता है ये फॉरेन करेंसी एसेट का, इंडिया गोल्ड रखता है अपने रिजर्व में, तो ये भी पार्ट होता है फॉरेक्स का। और अब बात होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, आईएमएफ की द्वारा जो है ये एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट को जो है वो मेंटेन किया जाता है। हर कंट्री जो है आईएमएफ में अपना एक करेंसी का पार्ट रखती है और जरूरत पड़ने पे उस पार्ट को जो है अदर करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है। अभी दोस्तों जो वहां पे एसडीआर जो है उसको बास्केट ऑफ करेंसी भी कहते हैं, जो कि 5 मेजर करेंसी से मिलकर बनती है, जिसमें यूरो, डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, येन और चाइनीज का युआन, इन चार कंट्रीज के जो करेंसी को मिला के जो है एसडीआर बनता है। और इसको जो है कंट्रीज जरूरत पड़ने पे इन करेंसी से एक्सचेंज कर सकती है, मतलब अपनी करेंसी से इन करेंसी को एक्सचेंज कर सकती है। तो ये होता है एसडीआर। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, वो होता है आरटीपी यानी रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो आईएमएफ में जो कंट्री की होल्डिंग कर जो कंट्री की होल्डिंग होती है और आईएमएफ का जो जो करेंसी का होल्डिंग करने का कोटा होता है, इसके डिफरेंस को आरटीपी बोलते हैं। तो ये चार चीज मिला के जो है किसी भी कंट्री का फॉरेन रिजर्व बनता है, जिसको फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन कहते हैं। तो ये तो दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में। आगे देखते हैं, अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है पुणे की, उसने एक रोबोट लॉन्च करा है जिसका नाम कैप्टन अर्जुन रखा गया है। ये दोस्तों जो जो भी बोर्डिंग करने जो पैसेंजर आएंगे उनकी स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस करेगा। और इस जो नाम है इसका वो है कैप्टन अर्जुन, यानी ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। स्क्रीनिंग करने का काम जो है पैसेंजर की ये अर्जुन करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी क्या हुआ है, COVID-19 के सिम्टम्स में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल को जो है ऐड कर लिया गया है। अगर हम देखें COVID-19 के सिम्टम्स को, तो अगर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखें तो फीवर, ड्राई कफ और टायर्डनेस जो होते हैं वो COVID-19 के सिम्टम्स होते हैं। जो लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजेक्टिवाइटिस, रैशेस ऑन स्किन और डिसकलरेशन ऑफ फिंगर और टो। तो इसी में जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें लॉस ऑफ टेस्ट यानी एगुशिया और लॉस ऑफ स्मेल यानी एनोशमिया, एनोशमिया जो है इसको ऐड कर लिया गया है। सीरियस सिम्टम्स की बात करें COVID-19 के, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, ये इसके सीरियस सिम्टम्स में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी नेपाल की लोअर जो हाउस है उसने एक जो वहां के नेपाल के मैप को अमेंड करते हुए एक नया बिल, जो कंट्रोवर्शियल न्यू मैप जो है उन्होंने पास कराया। इसमें क्या है दोस्तों, जो ये आप ऑरेंज कलर में देखेंगे पिक में कि ये लिम्पी याडुआ है, काला पानी है और लिपु लेक पास, ये तीन चीजें दोस्तों जो है ये जो नेपाल ने अपनी टेरिटरी में बताई है। ये चीजें जो इंडिया टेरिटरी में आती है कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरीज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसको अभी नेपाल ने अपनी मैप में दिखा दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना के तहत इंडियन आर्मी ने रिलीफ और रिलीफ आइटम और फूड पैकेजेस जो हैं पुअर पीपल जो कि कश्मीर वैली में रह रहे हैं उनको डोनेट करे हैं इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। तो ऑपरेशन सद्भावना है
ये रिलीफ पैकेजेस प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने का एक अभियान है इंडियन आर्मी का, जो कि कश्मीर वैली में पुअर्स को, जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें ये फूड पैकेजेस आइटम प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कश्मीर वैली में। आगे दोस्तों, एक जर्मी क्लीन करके एक सैनिटाइजिंग चेंबर है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म सैनिटाइज करने में हेल्प करेगा। तो जर्मी क्लीन है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। अब दोस्तों बताइएगा, डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है करेंटली? अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी गोवा में क्या हुआ है, वहां की एक गोवा मेडिकल कॉलेज है, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो गोवा गवर्नमेंट उसके लिए स्वाब टेस्टिंग करवाने वाली है। तो अब दोस्तों, स्वाब टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली दोस्तों, कोरोना के डिटेक्शन के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्लड टेस्ट जो कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और दूसरा स्वाब टेस्ट होता है जो कि पीसीआर बेस्ड होता है। ब्लड टेस्ट में दोस्तों क्या होता है, ब्लड लेके उसमें ये देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी होती है ब्लड में पाई जाती है, वो समान मात्रा से ज्यादा है या नहीं। अगर वो समान मात्रा से ज्यादा है तो इसका मतलब है बॉडी एंटीबॉडी, जो अपनी बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना रही है ताकि किसी रोग को क्योर किया जा सके, तो उसलिए अपने यहाँ एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। तो ये एक सिम्टम होता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे पर्सन को कोविड-19 हो, तो ये ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगा जाता है, और दूसरा स्वाब टेस्ट के थ्रू पता लगाता है। स्वाब टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली आपने देखा होगा कान साफ करने वाली एक होती इक्विपमेंट होता है, जिसमें प्लास्टिक की छड़ी में अपन कॉटन लगाते हैं तो उससे कान साफ करते हैं, उसी टाइप का इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट होता है सिमिलर, उससे थोड़ा साफ और अच्छा होता है। उससे दोस्तों क्या होता है, दो तरह से सैंपल लिए जाते हैं, एक नोज के थ्रू और थ्रोट के थ्रू। नोज में दोस्तों उस इक्विपमेंट को डाल के, स्वैब बोलते हैं, स्वैब को डाल के जो है सैंपल लिया जाता है, अगर नेजल से पॉसिबल नहीं होता तो थ्रोट के थ्रू वो सैंपल लिए जाते हैं, फिर उसको पीसीआर टेस्टिंग करके उससे पता लगाया जाता है कि इस पर्सन को कोविड-19 है या नहीं। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू जो है कोविड-19 का डिटेक्शन होता है, एक है स्वाब टेस्ट और दूसरा है ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी मुंबई के दो स्टेशन हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान तिलक टर्मिनल। यहाँ पर दोस्तों फेब्री आई थर्मल कैमरा लगाया गया है। ये दोस्तों इससे क्या होता है कि ये हीट सेंसर यूज करके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नापा जाता है, और एक 2D इमेज भी जो है पर्सन की मिल जाती है। तो एक कॉन्टेक्ट लेस डिटेक्शन टेक्निक है स्क्रीनिंग करने की, तो फेब्री आई इसका नाम है, जो कि थर्मल सेंसर या हीट सेंसर की मदद से बॉडी टेम्परेचर नाप लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी तमिलनाडु में तकरीबन 1,000 डिस्ट्रिक्ट्स का जो नाम है, 1,000 प्लेसेस का जो वहां पे नाम है, वहां चेंज कर दिया गया है, और जो नाम बदल के जो लोकल लैंग्वेज है वहां की तमिल उसमें रखा गया है, तो तमिल में उसको आसानी से बोला जा सके, वैसे नाम जो है तकरीबन 1,000 प्लेसेस के रखे गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो कोयम्बटूर है उसको पुथुथूर बोला जाएगा अब से, तो लोकल लैंग्वेज में काफी आसान है बोलना, और इसीलिए ऐसे ही तकरीबन 1,018 प्लेसेस का नाम जो है लोकल लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी 12 तारीख को रशिया का नेशनल डे था। अगर मैं आपसे तो सवाल पूछता हूँ दोस्तों यहाँ से, कि रशिया की करेंसी क्या है? हमने दोस्तों उसको डिस्कस किया है G20 नेशंस में, ब्रिक्स में हमने डिस्कस करा है इसको। अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा कि रशिया की करेंसी क्या है। दोस्तों अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस वीक आने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों 14 तारीख को ब्लड डोनर डे है, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे है, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, 21 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, 21 तारीख को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे है, 21 तारीख को ही दोस्तों वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है, और 21 तारीख को ही फादर्स डे है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज की हमारी कंट्री जो थी फ्रांस को डिस्कस करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा और आप देख करिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।